हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको जो RPF की एग्ज़ाम 2018 में होने वाली है उससे रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो निशान है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो RPF की एग्ज़ाम है उसकी अभी डेट तो फिक्स नहीं हुई है, और ये ऑफिशियल न्यूज़ है, क्योंकि मैं RPF में जॉब है तो सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा। मैंने जहाँ तक इंफॉर्मेशन जहाँ तक पहुँची है या फिर मुझसे जहाँ तक हुआ है ऊपर से जितना वहाँ पूछने की कोशिश की है, तो सबका बस यही जवाब है कि अभी जो एग्ज़ाम रेलवे के ग्रुप डी वाले चल रहे हैं उनके ख़त्म होने से पहले जो आपकी RPF SI और कांस्टेबल की डेट है वो फिक्स नहीं हो सकती। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से पता चला है तो आपकी जो RPF SI और कांस्टेबल की एग्ज़ाम का जो जिस मंथ में होगी वो मंथ ज़रूर डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि अगर ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनमें से किसी भी दिन का एग्ज़ाम या फिर पोस्टपोन्ड होता है तो आपकी डेट है वो आगे भी बढ़ सकती है या फिर टाइम पे भी हो सकती है। तो जो एग्ज़ाम डेट है उसको ग्रुप डी की एग्ज़ाम के बाद ही करवाएंगे। जैसे कि अभी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम 25 तारीख का था वो भोपाल में पोस्टपोन्ड कर दिया गया, तो अभी वो एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे अगर ग्रुप डी के एग्ज़ाम टाइम पे हो जाते हैं तो जो जिस मंथ में RPF की SI और कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट फिक्स होने वाली है वो मंथ ज़रूर पता चल गया है, तो वो आपकी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगी। और हाँ, ये मंथ फिक्स है दिसंबर में, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, तो डेट जल्दी फिक्स कर दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी है वो ज़बरदस्त रखें, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है RPF SI की एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ दिनों से जो SSC की एग्ज़ाम है वो सारी पोस्टपोन्ड हो रखी हैं। तो जो SSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो SSC CGL या फिर जो भी CPO या 10+2 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ज़रूर एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि SSC के ही सारी 2018 वाले पोस्टपोन्ड हो रखे हैं। तो आप ये मत समझना कि अपनी इतनी सी तैयारी हो गई तो अपन कर लेंगे, या फिर आप जो बुक्स में मॉक टेस्ट देते हैं उनमें अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप ये सोचें कि हाँ मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है, और आप बार बार वीडियो पे या फिर कहीं और यूट्यूब चैनल पे बार बार यही पूछते हैं सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर एग्ज़ाम कब होगा। तो ये जो आपकी ऐसे लग रहा है कि हाँ आपको लग रहा है कि आप अपनी अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो ये दिमाग से निकाल दें कि आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जिस जो कंपटीशन है इस बार तो बहुत ज़्यादा होने वाला है और पेपर भी काफ़ी अच्छा बन के आएगा। तो जितना हो सके आप उतना कवर करें, और एग्ज़ाम डेट जैसे फिक्स होती है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको वीडियो या फिर कमेंट के थ्रू आपको बता दूंगा। और बाकी जो आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो निशान दे रखा है उसको दबा दें, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट होती है मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वो आपको मिल जाए। तो ये तो था कि एग्ज़ाम मंथ कौन सा है वो दिसंबर में, और जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर तक आ जाएंगे, और जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं सर सेप स्कोर क्या होगा, मैं इस कैटेगरी में हूँ मैं उस कैटेगरी में हूँ। तो जो इस बार सेफ स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है दिन बे दिन। तो इस बार जो सेफ स्कोर होगा UR कैटेगरी का, वो सेफ स्कोर आप मान के चलो कि 80+ अबाव मार्क्स 120 में से होने वाले हैं। इससे अबाव मार्क्स ही आपको आ रहे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी पोस्ट पक्की है। और ये जो 80+ अबाव मार्क्स हैं ये UR कैटेगरी के हैं, और इसमें +2 या +- हो सकता है। हाँ, +2
नॉर्थ रीजन के लिए हो सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही नॉर्थ रीजन की कट ऑफ हाई जाती है। और अगर आपने नॉर्थ रीजन मतलब फॉर्म अप्लाई करते टाइम ग्रुप डी से अप्लाई किया है तो फिर आपको और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ रीजन में ये जो सेफ स्कोर है ये भी कम पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्थ रीजन में काफ़ी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। और बाकी अगर आप अदर रीजन से हो तो इसमें -2 कर दो या फिर +2, बस यही सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लास्ट जो मेरिट लिस्ट जो पोस्ट होगी वो आपको ज़रूर मिल जाएगी, कि अगर आपके 80+ नंबर है या 80 के आसपास -2 या +2 भी हो रहे हैं तो आप निश्चित रहें। तो आप अभी से इतनी तैयारी करें कि आपका जो सेफ स्कोर है वो 80+ तो आए ही। तो ये रहा आपका सेफ स्कोर। इसके बाद में आपके अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो रही कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स जो बहुत से कैंडिडेट्स के कंफ्यूजन है कि सर कट ऑफ मार्क्स ओवरऑल रहेगी या फिर जोन वाइज रहेगी, तो कट ऑफ मार्क्स जोन वाइज डिफरेंट जोन की डिफरेंट जोन में रहेगी। और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स है वो ग्रुप डी यानी नॉर्थ जोन की रहने वाली है। इसके बाद में जो होगी वो सेव स्कोर मैंने बता रखा है उसमें -2 या +2 के आसपास ही रहेगी बाकी सबकी फाइनल। तो ये वो जो मैंने आपको बता रखा है सेफ स्कोर वो सिर्फ UR कैटेगरी का है, बाकी जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC या ST SC तो वो उनमें से कम करते जाएं। और ST वालों के लिए 73 के 3+ जो भी नंबर होंगे ऐसे ही SC वालों के लिए भी उतना ही सेफ स्कोर रहेगा, तो वो UR कैटेगरी के हैं। उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। हाँ, बहुत से कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम हुई नहीं और उनको लगता रहता है कि मैं फिजिकल टेस्ट में रह जाऊंगा, मेरे से दौड़ कैसे होगी, मेरे से ये लंबी कूद कैसे होगी। तो अगर आप अभी से उसकी टेंशन में लग रहे हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि जो एग्ज़ाम अगर आप अभी इसी टाइम यही टाइम है आपका एग्ज़ाम पे फोकस करने का सबसे ज़्यादा, अगर आप इसी टाइम पे अपनी एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते तो आपकी आप सेफ स्कोर पर स्कोर तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। और अगर आप सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच पाए तो फिर आप चाहे दौड़ कितनी भी कर लो, अगर कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा तो दौड़ से आपका सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। तो बार बार में ये चीज़ अपने माइंड से अभी निकाल ही दो कि अपना फिजिकल कैसे होगा, अपनी दौड़ कैसे होगी, ये सब 1.5-2 महीने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर आपको 1.5-2 महीने मिल जाएंगे तो 1.5-2 महीने में आराम से हो जाएगी। और कितनी दौड़ भी तो बस इतनी सी है ना, 1600 मीटर है और आपको टाइम दे रहे हैं 6:30 या 6 मिनट का मिलेगा, तो आराम से अगर आप 20-25 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी दौड़ भी निकल जाएगी, आपकी लंबी कूद भी निकल जाएगी, आपकी ऊंची कूद भी निकल जाएगी। फिजिकल की आप अगर अभी से टेंशन लेके चल रहे हो तो फिर आप एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते, और एग्ज़ाम पे अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो फिर आप सोचो भी मत कि आप सेफ स्कोर तक पहुंच जाओगे। तो जो फिजिकल का जो जितना भी होगा लंबी कूद ऊंची कूद कैसे आपको क्लियर करनी है वो सब वो मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको वीडियो पूरा अपलोड कर दूंगा फिजिकल टेस्ट का कि आप कैसे दौड़ की तैयारी करें या कैसे लंबी कूद की तैयारी करें कि आपका 1 महीने में फिजिकल क्लियर हो जाए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 1 महीना काफ़ी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा वीक है तो उसका 45 दिन मान लो, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो फिजिकल आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बात है वो आपके सेफ स्कोर की, अगर आप सेफ स्कोर ही नहीं ला पाओगे तो फिर आप चाहे कितनी भी दौड़ कर लो, दौड़ से तो कुछ होने वाला नहीं है। सबसे मेन तो जो है वो सेफ स्कोर है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल तो आराम से एक काफ़ी टाइम मिलेगा, फिजिकल में 2-2 महीने तो मिनिमम मिलेंगे, 2 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। मैं फिजिकल का पूरा स्टेप वाइज स्टेप आपको वीडियो अपलोड करूँगा, आप फिजिकल में रह ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको एग्ज़ाम पे फोकस करने का टाइम है, तो जितना हो सके आप एग्ज़ाम पे फोकस करें, एग्ज़ाम जितना हो सके टाइम दें स्टडी को। उसके बाद में जो
हाँ ये भी पूछते हैं कि कितने महीने बाद फिजिकल होगा एग्ज़ाम के डेट के बाद में। तो मिनिमम एग्ज़ाम डेट के बाद में आपको 3 मंथ तो मिनिमम मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो आप फिजिकल की टेंशन मत करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। उसके बाद में बहुत से कैंडिडेट मेडिकल के एग्ज़ाम के बारे में भी कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरे ये प्रॉब्लम है, सर मेरे ये प्रॉब्लम है। तो मेडिकल एग्ज़ाम का एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तब तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा जैक हो या फिर आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लो। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर तो आप आउट होगी मेडिकल में। उसके अलावा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे नौकनी की हुई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो सब एक्सरसाइज से आपकी सही हो जाएगी 2-3 महीने में। तो वो जो भी प्रॉब्लम है, आप एग्ज़ाम के बाद में, मैं वीडियो बनाऊंगा फिजिकल का, तो उसी टाइम आप कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे ये वाली प्रॉब्लम है। आपका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सब तो बाद की बात है ना। आप अभी से मेडिकल की टेंशन लेके चल रहे हो, अभी स्टेप वाइज स्टेप चलो ना। पहले सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, तो मेडिकल तो लास्ट में होगा ना, मेडिकल तक तो आप तब पहुंच पाओगे तब आपका कट ऑफ क्लियर होगा या फिर सेफ स्कोर पहुंचेगा। अगर आप तैयारी इतनी कर रहे हो कि हाँ कट ऑफ तक क्लियर हो जाए, तो फिर आपको सीट मिलना तो नामुमकिन है, क्योंकि कट ऑफ से तो 10-12 नंबर हाई रहती है, जो लास्ट मेरिट लिस्ट रहती है वो 10-12 या 20 नंबर के समथिंग भी रह जाती है कभी कभी तो कट ऑफ से। तो 10-12 नंबर तो मिनिमम मानो सेफ स्कोर। सेफ स्कोर लास्ट मेरिट लिस्ट होती है, उसमें काउंट होता है। तो आप कट ऑफ क्लियर करने के बहाने मत स्टडी करो, आप स्टडी करो कि आपको SI की या फिर कॉन्स्टेबल की एक सीट तो आपको लेके जानी ही है। तो ये जो फिजिकल था वो फिजिकल, हाँ जो मेडिकल का एग्ज़ाम होगा वो सेम डेट को भी हो सकता है, फिजिकल वाले दिन भी, या फिर अलग से भी करवा सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली मुझे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान है वो ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले मुझे ही आएगी, मेरे पास ही आएगी। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड या फिर जिससे भी रिलेटेड, जो RPF के डिपार्टमेंट से न्यूज़ होगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये एक मोटिवेशन के लिए मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड की है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि फेक है या फिर मेरी जॉब नहीं है। तो आप भी, आपके भी 2 स्टार लगने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन ये 2 स्टार ऐसे ही नहीं लगेंगे कि आप बार बार यूट्यूब पे बस ये सर्च करते रहो कि एग्ज़ाम डेट, RPF एग्ज़ाम डेट, मेडिकल फिजिकल। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो अपना सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इसी टाइम पे, अगर आपको भी अपनी फैमिली वालों को या फिर आपको किसी को भी अगर कुछ करके दिखाना है, तो यही सही टाइम है। फिक्स टाइम जितना आपको बचा है, आप यानी लास्ट एंड के मोड़ पे हो, लास्ट मोड़ पे हो। अगर आप इस टाइम पे अगर राइट डिसीजन ले लेते हो या फिर राइट डायरेक्शन में चल देते हो, तो आपका कैरियर है वो RPF SI का वो बिल्कुल श्योर है। लेकिन अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि नहीं यार पढ़ लूँगा, अभी तो एग्ज़ाम डेट ही फिक्स नहीं हुई, यार पढ़ लूँगा अभी तो एग्ज़ाम का मंथ ही पता नहीं है, अभी तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेलवे की ALP वाले पेपर हो रहे हैं, ग्रुप D वाले, तो इनकी भी डेट पहले फिक्स नहीं थी। लेकिन देखो जैसे LP का पेपर सारे ख़त्म हुए, ग्रुप D की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई, तो बस ऐसे ही जैसे ग्रुप D की एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, RPF की नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम मंथ तो अब पता चल ही गया है, दिसंबर है, लेकिन दिसंबर से नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही अगर फिर आपको टाइम नहीं मिला, तो जैसे ग्रुप D का एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और उसके 15-20 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम करवा ली, तो फिर कितनी तैयारी करोगे? तो ये जो अगर आप सोच के चल रहे हो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं अभी
पता नहीं अगले साल हो, कब हो, वैकेंसी कब करवाए। तो फॉर्म अप्लाई कर चुकी है, तो रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने ALP का इतना बड़ा एग्ज़ाम करवा दिया, ग्रुप डी के इतने एग्ज़ाम करवा रहा है, तो ये तो काफ़ी छोटी एग्ज़ाम है उसके सामने, ग्रुप डी या फिर ALP के सामने RPF वाली। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो आप अपनी तैयारी है वो ज़बरदस्त रखें। और ये जो आपका भी जो फ्यूचर है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है अगले साल तक, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो तो ये वाली पोजीशन आपकी भी रहेगी, आपके भी 2 स्टार रहेंगे और देखने वाले कहेंगे कि देखो थानेदार आ गया। ये जो अपने गांव वाले होते हैं वो ऐसे बोलेंगे थानेदार। तो ये जो आप चांस है वो आप अगर छोड़ देते हो इस साल तो फिर तो गई, फिर तो 3-4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आनी, क्योंकि 2014 में वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद में देख लो 2018 हो गई। तो कुछ बंदे हैं वो ओवर एज भी हो जाएंगे 4 साल के बाद में, तो आप इस बहाने बैठो ही मत कि हाँ कि कब तो नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम डेट होगी, जब एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी कर लूँगा। तो इस बार ये जो आपका ये जो गलतफहमी है ना वो मैं आपको दूर कर देता हूँ कि इस बार जो SSC वाले बंदे हैं ना वो भी बैठने वाले हैं। तो आप जितना हो सके ना अपनी मैथ और रीजनिंग तो ऐसे रखो कि आपके 35 में से 35 दोनों में एक भी नंबर कहीं से भी कट ना जाए, क्योंकि जो SSC की तैयारी कर रहे हैं CGL वाले तो उनका तो प्लस पॉइंट ही मैथ और रीजनिंग होगा ना, तो उनके तो वो 70 नंबर वो तो वैसे ही वैसे हो जाएंगे, 70 भी नहीं तो कम से कम 2-3 गलत मान लो, फिर भी उनके वो आपसे ज़्यादा हाई स्कोर वो करेंगे ना। तो बस आप जितना भी हो सके अपनी तैयारी पे फोकस करो। हाँ बहुत से बंदे हैं जिनका भी स्टडी का वो रूटीन नहीं बैठ पा रहा है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि उनका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। तो ये मैंने कुछ लिखा है, तो आपको ये सब करना है। आपको डेली स्टडी कम से कम 6 आवर तो करनी है, और ये आपको करना नहीं है, जो नहीं करना है वो भी मैंने आपको लिख रखा है कि जो अपना टाइम है वो ये सोचने में मत खराब करो कि कब एग्ज़ाम होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, जब एडमिट कार्ड डलेंगे तब देखेंगे, टाइम तो मिलेगा। तो टाइम इस बार नहीं मिलने वाला, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो आप डेली कैसे भी 6 आवर तो मिनिमम दो, अगर आप इससे कम टाइम देते हो तो फिर तो आप सोचना भी मत कि आप 2 स्टार बन जाओगे या फिर कॉन्स्टेबल बन जाओगे। तो अपनी या तो आप अगर आपका घर पे रूटीन नहीं बन पा रहा तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, या फिर आप रात का टाइम लो। रात का टाइम मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहा है, मैंने जितनी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी की है या अभी भी करता हूँ PCS की, तो जो रात वाला टाइम होता है वो काफ़ी होता है। अगर रात को आप 4-5 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि आपकी 8-9 घंटे की आराम से तैयारी हो गई। तो अगर आप रात को पढ़ पाते हो तो रात का टाइम बहुत बेस्ट होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, आपका माइंड या फिर सबकी अलग अलग पढ़ने की वो होती है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, तो जैसे भी आप पढ़ो लेकिन कम से कम जो 6 घंटे हैं वो तो ज़रूर निकालो। तो ये 6 घंटे आपको कैसे वो करने हैं। और दूसरी बात ये कि आप किसी एक पर्सन को फॉलो करो, अगर मैं आपको इतना गाइड कर रहा हूँ तो आप जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करो। आप बार बार किसी और चैनल पे सर्च करोगे वो कुछ और बताएगा, अगले वाले चैनल पे करोगे किसी और पे वो कुछ और बताएगा, तो ये सब आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। चाहे कोई भी किसी को भी, आप अपनी फैमिली वालों को या फिर आपका दोस्त जो भी आपको गाइड करता है, आप जिसकी बातें आपको सही लगती है या मैं कर रहा हूँ तो जो मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, तो आप एक पर्सन को फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग चलो। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप बार बार में अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो कि कैसे तैयारी करें, RPF की कैसे पेपर निकले, तो इन सब में तो आपका टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी अपना टाइम इधर वेस्ट मत करो कि एग्ज़ाम डेट सर्च करने में, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, ये सब मेडिकल टेस्ट कैसा होगा, तो इन सब में अगर आप अभी टाइम वेस्ट कर देते हो तो फिर तो आप ये सपने ही देखते रह जाना कि मेरा भी कभी
नंबर आएगा आरपीएफ में। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो आपका जो 6 ओवर आप ले रहे हो तो उसको कैसे डिवाइड करें, तो वो जो 6 आवर है वो डेली आप 2 घंटे मैथ्स में निकालें, उनमें से 1 घंटे आप कोई नया टॉपिक पढ़ें और 1 घंटे जो आपने पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस करें, बाकी 1 ओवर रीजनिंग का निकालें जिसमें से 30 मिनट आप कुछ नया टॉपिक पढ़ें और बाकी 30 मिनट में आप कोई भी मॉक टेस्ट या फिर रीजनिंग का कोई भी मॉडल पेपर निकालें। वहाँ हो सके तो आप SSC के मॉडल पेपर ले आओ, उसमें से रीजनिंग निकाल सकते हो, वो भी एक अच्छा है। मैथ भी आप SSC 10+2 लेवल तक की कर सकते हो, वो भी एक अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस बार जो RPF का लेवल है वो SSC के अकॉर्डिंग रहने वाला है। उतना हाई CGL के जितना तो हाई नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इस बार जो रहेगा वो काफ़ी हाई रहने वाला है। उसके बाद में GK, हाँ GK को 3 घंटे दो आप, क्योंकि GK अगर आपके GK में जितने भी आपके प्लस पॉइंट नंबर होते हैं आपके सेफ स्कोर में बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज करेंगे मार्क्स, तो ये वाला आप बिल्कुल भी मत करो कि एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओ कि हाँ आज तो मुझे मैथ करनी है तो मैथ ही 6 घंटे मैथ ही पढ़ते रहो, आज मुझे GK पढ़ना है तो 6 घंटे GK पढ़ते रहो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो स्टडी का जो रूटीन है वो भी बिगड़ेगा और आपकी जो तैयारी है वो जो जितना टाइम बचा है उस टाइम में जितना टाइम सफिशेंट है उतना तो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बचा है उसमें अच्छे से तैयारी नहीं होने वाली। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बार बार कमेंट करके पूछते हो कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, सर मैं स्टडी कैसे करूँ, आप गाइड करो, तो उसी के लिए ये सब मैंने किया है। तो अगर आप ये सब मैं बता रहा हूँ वो कल से ही स्टार्ट करते हो तो श्योर कि आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है संडे, तो जो संडे का दिन होता है वो आप जो 6 डे आपने स्टडी की है तो उस स्टडी को आप रिवीजन करो, और जो संडे का है दिन है वो गैप मत दो कि आप आज तो संडे है आज क्या पढ़ना, आज कुछ मस्ती कर लेते हैं या फिर मूवी देख लेते हैं या फिर घूमने चले जाते हैं, तो आपका जो एक दिन है ना वो अगर आपकी गैप दे देते हो तो आपको फिर उसका नुकसान बाद में पता चलेगा जब एग्ज़ाम होगी, क्योंकि अगर आप जो पढ़ते हो वो रिवाइज नहीं करोगे तो आपका दिमाग से सब कुछ क्लियर होता जाएगा पीछे का और आगे का याद रहेगा। तो जो 6 दिन का है वो ज़रूर संडे को रिवाइज करें जितना आप कर पाते हैं, तो जो ये है वो संडे को अपना टाइम वेस्ट मत करें। फिर उसके बाद में अगर आप ये सारे के सारे अगर आप पॉइंट फॉलो करते हो तो आपके जो सक्सेस के चांस है RPF में वो 90% बढ़ जाते हैं। तो अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर आपके और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने सारे आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे वीडियो पे उनके सभी के वो रिप्लाई कर दिए हैं इस वीडियो में, तो आपको बता भी दिया है कि आपको स्टडी कैसे करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कि आपका RPF में SI में या फिर कॉन्स्टेबल में तो आपकी एक पोस्ट फिक्स हो ही जाए, आपको सेफ स्कोर मैंने बता ही दिया है, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बता ही दिया है, और रही फिजिकल और मेडिकल तो उनके बारे में मैंने बता दिया है कि आप अभी टाइम वेस्ट ना करें, जैसे ही सही टाइम आएगा मैं आपको फिजिकल के मेडिकल के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ अब एग्ज़ाम डेट है और अब फिजिकल होने वाले हैं अब मेडिकल होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटली मेरे पास ही आएगी, और किसी भी चैनल पे आप जो इन्फॉर्मेशन सुनोगे या देखोगे वो मेरे चैनल के बाद में ही, क्योंकि मैं तो ऑफिशियल न्यूज़ तो सबसे पहले मेरे पास ही आएगी। तो अभी तक जितना मैंने बताया कि ऑफिशियल न्यूज़ में सिर्फ एग्ज़ाम मंथ वो फिक्स हुआ है, एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाएगी और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वो आपको मिल जाएगा। एक बार फिर और बता रहा हूँ, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का निशान है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे जो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, और मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना तो बनता है।
और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं या फिर जो RPF की तैयारी करने में लगे हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनका जितना टाइम हो सके वो अपना टाइम सही जगह पे लगा सकें। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये सोचने में ही वेस्ट कर देते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएंगे। तो इन सब से आप दूर रहें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपको न्यूज़ है वो जो श्योर न्यूज़ होगी वो आपको मिलती रहेगी, नहीं तो और चैनलों पे आपको फेक न्यूज़ मिलेगी। बस आपको ये जो शो होता रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम डेट आ गई, जैसे वीडियो चलाएंगे कोई उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी तब अपलोड करेंगे ना। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो आपको RPF से रिलेटेड सारी जो भी प्रोसेस है वो सारा बता दिया जाएगा। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, आगे मिलता हूँ। इसी के साथ आगे के वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।